बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं वाजिद अली कंबो योर केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एंटी टेस्ट एंड दैट इज मोल इस लेक्चर में हम मोल को पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम पढ़ेंगे स्टाशियोमेट्री पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे यील्ड पढ़ेंगे और और एंटीटेस्ट पॉइंट व्यू से देखा जाए ना तो इस लेक्चर में आपसे न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू पूछे जाने के ज्यादा चांसेस और भी आ सकता है इंफॉर्मेटिव भी आ सकता है जनरल भी आ सकता है लेकिन इसका मतलब है आज आपने क्रिटिकली एनालिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठना है आज बातें भी बहुत पेचीदा है से सुनिए मैं आगाज करता हूं मोल से मोल क्या है मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है मेरे पास अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में वो है मोल मैं आपको ना मोल फोर हेडिंग्स में डिस्कस करूंगा मैं आपको मोल पढ़ाऊंगा ग्राम एटम ग्राम ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम फॉर्मूला एंड ग्रैम आई हम इसे कहेंगे मोल ग्रैम एटम मोल ग्रैम मॉलिक्यूल मोल ग्रैम फॉर्मूला मोल ग्रैम आइन मोल फिर इनमें डिफरेंस क्या है क्या डिफरेंस उन चीजों को हम पढ़ेंगे मैं ना बुनियादी चीज से आगाज करता तो पहले मैं ना मेरे लेक्चर का ये जो मोल को समझाते हुए जो पहले पांच सात मिनट्स होंगे ना वो बेसिक केमिस्ट्री है वो इब्तदाई बातें हैं अगर वो आपको नहीं आएंगी तो अगली में बातें कर ही नहीं सकता स्टूडेंट हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस जो है ना सब्सटेंसेस केमिस्ट्री कहती है कि हमारी सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस हैं सब्सटेंसेस हमारे सराउंडिंग में ये फोर टाइप्स के हैं चार किस्म के सब्सटेंसेस हैं एक हम कहते हैं एलिमेंट एलिमेंट एक हम कहते हैं मोलैकुलर मोलैकुलर कंपाउंड मोलैकुलर कंपाउंड्स एक हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स एंड देन वी हैव द आयनिक स्पीशीज स्पीशीज तो हमारे सराउंडिंग में सब्सटेंसेस ये चार किस्म के हैं अगर आप एलिमेंट्स की बात करें एलिमेंट्स की तादाद वन से लेकर 122 तक हो चुकी है 122 तक हो चुकी है कंपाउंड्स ये लाखों नहीं करोड़ों में हैं करोड़ों में आयनिक कंपाउंड लाखों नहीं करोड़ों में हैं ये करोड़ों में हैं और बिल्कुल इसी तरह आयनिक स्पीशीज जनरली हम क्या बात करते हैं जब कोई सब्सटेंस मोल्टेड स्टेट में आता है या एक्वा सॉल्यूशन में आता है तो दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइंस जर्नली जब कोई मैंने किसमें कहा एक तो मैंने कहा दैट इन मोर्टन स्टेट और इन सोल्यूशन तो इन दोनों फॉर्म में दैट एग्जिस्ट स्टूडेंट अब एलिमेंट्स अब देखो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है आपके पास सोडियम एक एलिमेंट है आपके पास मैग्नीशियम एक एलिमेंट है यूरेनियम एक एलिमेंट है याद रखना अगर मैं एच लिखू तो यह हाइड्रोजन अगर मैं एच टू लिखूं तो यह हाइड्रोजन एज मोलैक् एच टू एच टू मैं मैं ओ लिखू ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट मैं मैं ओ टू लिखूं मैं ओ थ्री लिखू दिस वन इज द ऑक्सीजन इन मोलेक्लर फॉर्म तो फिर o2 and o3 o2 and o3 बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन ये याद रखना ये बात o2 और o3 आप जानते हैं ओजोन तो ओजोन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ये एलोट्रोप्स हैं ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं अच्छा बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन को मैंने मॉलिक्यूलर कंपाउंड की कैटेगरी में लाया अब वाटर को ले लें आप ग्लूकोस को ले लें c6h12o6 Ionic compound, or compound. You have NaCl. You have CaCO three and many more. Ionic species. You have H positive. You have O negative. You have Cl negative. You have SO four two minus. All these are ionic species. Okay, बढ़े, Okay, बढ़े. Element. The smallest particle of element is an atom. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोल कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन कंपाउंड इज फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला यूनिट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक स्पीशीज का आयन आयन अब एक लफ एक लफ्ज याद करना मैं ना टर्मिनोलॉजी बोलूंगा पार्टिकल्स पार्टिकल्स जब मैं बोलूंगा ना पार्टिकल्स उससे मेरी मुराद होगी एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट आइन इनको मैं पार्टिकल्स कहूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरा ना स्टूडेंट्स जब मैं लिखता हूं ना एच ये एच ये दो बातों को जाहिर करता है ये एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करता है दिस वन इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन का सिंबल है यह हाइड्रोजन को बतौर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है बस मैं मैं आपसे कहता हूं बेटा जी हाइड्रोजन का एटम यू विल राइट वाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन यू विल से एच तो यह एच है ये ना सिर्फ हाइड्रोजन के एटम को बल्कि हाइड्रोजन के सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है दूसरी बात मैं लिखता हूं एच टू ओ एच टू ओ ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है दिस वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिस वन इज द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर दिस वन इज द अकुलर फार्मूला ऑफ वाटर मैं मैं दूसरे अंदाज में बात कर लेता हूं मैं कहता हूं राइट डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यू विल राइट एच टू ओ आई विस्ट वट इज द इंपेरिकल फार्मूलांस एच टू ओ मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर आपका रिप्लाई क्या होगा एच टू ओ बिल्कुल इसी तरह एनएसएल NaCl एस एन एस NaCl इज नॉट ऑनली कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड एन आयनिक कंपाउंड एन आय कंपाउंड डॉट एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल तो फिर एन एस क्या है दिस वन इज नॉट अ मॉलिक्यूल फॉर्मूलाट फॉर्मूलाट सोडियमिकलोराइड यही बात आगे भी तो मैंने आपको ना हर एक सबस्टांस उसके समालेस्ट पार्टिकल का जिक्र कर दिया अब एक और टर्म स्टूडेंट किसी एलिमेंट के मैस के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड मैस, मैथमिक मैस, किसी मोलेक्र कंपाउंड के, के जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूलाइनिक स्पीशी की मैथ के लिए टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड आइनिक मैस आइनिक मैस बस मैं कहता हूं अटोमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज एलिमेंट और उसके मैस के लिए टर्म क्या होगी अटोमिक मैस तो मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं अटोमिक अटोमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन ये स्टूडेंट होता है ये होता है 1.008 पॉइंट मैं लिखता हूं अटोमिक मैस अटोमिक मैस ऑफ सोडियम ये होता है 23 23 एम यू सिमिलरली अटोमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम ट्वेंटी फोर ए एमयू अटॉमिक मैस ऑफ यूरेनियम टू थर्टी एट ए एमयू इस बात को समझने की कोशिश करो ये क्या कह रहा है? ये ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मैस इतना होता है हाइड्रोजन के एक एटम का मैस सोडियम के एक एटम का मैस इतना होता है हाइड्रोजन इड्रोजन एक मैसन्यू सोडियम का ट्वेंटी थ्री मतलब सोडियम का हाइड्रोजन की ज़्यादा है है भी भी अच्छा अब आगे बढ़ो किसी भी के मैस के लिए टर्म इस्तेमाल क्या होती है molecular mass. Molecular mass. मैं मैं, लिखता हूं, मैं लिखता हूं,

इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल का मैस इतना है इसका मतलब है आप वाटर का एक मालिक्यूल का मैस इतना होगा और मैं ये टर्म यूज करता हूं फार्मूला मैस ऑफ एनएसियल एनएस आइनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के मैस के लिए टर्म इस्तेमाल होती है तो क्या लिखूंगा मैं कहूंगा फॉर्मूला मैस ऑफ ऑफ एन ए सी एल दैट इज कल टू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ए एम यू मैं कहता हूं जी फॉर्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आई वी राइट हंड्रेड ए एम यू यह भी हमें क्या बताता है आप सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला यूनिट ने एक एन ए सी एल ने उसका मैस करें वो इतना आएगा आप कैल्शियम कार्बोनेट इसका एक मालिक्यूल नहीं फॉर्मूला यूनिट नहीं उसका मैच इतना आएगा ये जो मैंने बात आपको की है ना जरा इस पे गौर करना और जो मैंने सात साल बातें की है अच्छा अब 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 आप ना इन अल्फाज पे आना ग्राम एटम ग्राम मालिक्यूल ग्राम फार्मूला इन अल्फाज पे आना अच्छा बेटा जी बड़ी बड़ी, बड़ी 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 खास बात है काम आपने ये करना है कि अब आपने ना ये एम यू के बजाय यहां पर ग्राम लगा दिया 1.008 ग्राम जब आप AMU की बजाय ग्राम लगा देंगे ना अब ये हाइड्रोजन का अटोमिक मैस नहीं बनेगा ये हाइड्रोजन का अटोमिक मैस नहीं वाट इज दिस है यानी ये यानी ये 1.008 ग्राम क्या ये हाइड्रोजन का अटोमिक मैस नहीं आंसर है नो no. डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि ये 1.008 पॉइंट जीरो जीरो ये एक हाइड्रोजन एटम का वजन है मैस है तो यह एक का नहीं है नहीं यह एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन का यह मैस है यानी अगर आप हाइड्रोजन के एक एटम का मैस ये ले लें अब इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास ही आएगा अच्छा ये मैंने तो सिर्फ ए एमयू को जी में लिखा है तो क्या ये इतनी बल्क इतना डिफरेंस आ जाता है आंसर है यस बिल्कुल यह डिफरेंस आता है तो अब अब इसको फिर मैं क्या कहूंगा क्या मैं इसे एटॉमिक मैस नहीं कहूंगा नो no, आप इसे एटॉमिक मैस नहीं कहेंगे ये क्या है ये हाइड्रोजन के एवोगेडो नंबर ऑफ एटम्स का मैस है तो फिर आप इसे क्या कहोगे मैं इसे कहूंगा वन ग्रैम एटम वन ग्रैम एटम दिस मोल ऑफ ऑफ हाइड्रोजन सिमिलरली सिमिलरली आप ना ये 28 amu ये सोडियम के एक एटम का मास है आप एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम का मास लेना चाहते हैं आप इसकी जगह पे क्या लिख दो जी तो अब आपके पास ये क्या बना ये बना 23 g इसका मतलब क्या हुआ ये 23 amu सोडियम के एक एटम का मास है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मोल एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम उनका मास लूं तो वो इतना आता है तो इस इस अमाउंट को हम फिर ग्राम एटॉमिक मैस नहीं कहेंगे अब इसे कहेंगे दिस इज वन ग्राम एटम यानी वन मोल ऑफ सोडियम बिल्कुल इसी तरह अगर आप आपको ये बात समझ आई है अब इधर आ जाओ ये 2.016 ये क्या है एएमयू, ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मैस है मैं एक मॉलिक्यूल का मैस नहीं देता मुझे मुझे एवोगैडो नंबर मॉलिक्यूल का मैस चाहिए तो बेटा जी फिर आप क्या करें

18 amu की बजाय 18 ग्राम खा देता हूं व्हाट इज दिस दिस इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मान ही समझा करो मैं ये नहीं कर अब मतलब समझे ये क्या है ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है अगर आप ग्राम लगा देते अब आप ये वाटर क्या है अब कहते आपने तो सिर्फ एएमयू को ग्राम में तो 18 तो 18 ही रहा ये कैसे एक का और फिर एवोगेडो आप कैलकुलेट कर ले कल मैंने आपको पढ़ाया यानी लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि AMU किसके बराबर होता है AMU बराबर होता है पावर uh, उस, वो एक, वो एक उस वैल्यू को आप एपोगडो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे आपके पास ये आंसर आएगा हां मैंने उसका शॉर्टकट आपको बता दिया नेक्स्ट शॉर्ट यही अप्रोच जो मैंने इधर आपको बताई सेम आगे ले अब आपके पास क्या आ गया आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती वो क्या है फॉर्मूला मैस है आप इसकी जगह पे ग्रैम लिख दो जब आप ग्रैम लिख देंगे ना अब ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस नहीं रहेगा ये क्या बन जाएगा ये वन ग्रैम फार्मूला ऑफ सोडियम ये वन ग्राम फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ एन तो ये क्या है ये है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम वन ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है ये हंड्रेड ग्राम आ जाएगा ये ग्राम आ जाएगा एक एक बात ना अगर मैं इन सब बातों को यकजा करूं इकट्ठा करूं तो मैंने आपको क्या कहा मैंने आपसे यह कहा कि आप अगर किसी एलिमेंट के अटोमिक मैस को सुनना अगर किसी एलिमेंट के ये हाइड्रोजनस एलिमेंट उसके अटोमिक मैस एम के, के बजाय में लिखे तो वो फिर नहीं रहता बल्कि ग्रैम एटम बन जाता वेन अटोमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्रैम दैट इज ग्रैम एटम वेन अटोमिक वेन मोलैकुलर मैस ऑफ अ अकुलर कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रैम ए एमयू नहीं ग्रैम

ग्रैम एटम की टर्म एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है ग्रैम मॉलिक्यूल की टर्म मोलैकुलर कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है ग्रैम फॉर्मूला की टर्म आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है ग्रैम आयन की टर्म आयनिक स्पीशीज के लिए इस्तेमाल आप चीजों को मिक्स नहीं करेंगे लफ मोल पे आए मोल मैं ना मोल आपको समझाना चाह रहा हूं मैं दो डेफिनेशंस करूंगा मैं दो डेफिनेशंस करूंगा एक डेफिनेशन बहुत आसान है जो मैंने ऊपर कर दी मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूं दूसरी डेफिनेशन की तरफ आए जरा गौर से मेरी बात को सुनना मैं आपको एक बात बड़ी पता की समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है इलेक्ट्रिक बैलेंस यहां इसकी रीडिंग नोट की जाती हाईली सेंसिटिव बैलेंस हाईली सेंसिटिव हद की एक मालिक्यूल एक भी आता है तो ये उसका मैं ऐसा बता देता इतना सेंसिटिव है प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट कोई नहीं करता मैं तो आपको समझाने के लिए करता हूं आप काम क्या करें आप ना सोडियम ले लो ये ये आपके पास सोडियम पड़ा होगा इसमें ना इसमें आपके पास सोडियम है एन ए आप एक काम करो सोडियम का एक एटम इसके ऊपर रख दो उसका मैथ मालूम करो सोडियम का एक और एटम रखो उसका मैथ सोडियम का एक और एटम उसका मैथ सोडियम के यहां एटम्स रखते जाओ कितने में रखो एटम आप इस पर सोडियम के 6.022 क्रास 10 टू पावर 23 एटम्स रख दे एटम रख दे अब इतने एटम सोडियम के ये दिस वैल्यूज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो नंबर ये टर्मिनोलॉजी होती है एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो कांस्टेंट एवोगाड्रो लॉ एवोगाड्रो प्रिंसिपल एवोगाड्रो हाइपोथेसिस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए अब आपने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आपने अब मैं इतने सोडियम एटम का वजन जानना चाहता हूं मैथ जानना चाहता हूं आप रीडिंग देख लो रीडिंग आप देखेंगे तो ये आंसर आएगा 23 ग्राम इसका मतलब है एवोगैडो नंबर ऑफ सोडियम एटम उनका मैथ इतना आता है ये जो वैल्यू आई है ना दिस इज कार्ड वन मोल तो वन मोल वन मोल क्या है मोल क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटांस तो वन मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटांस है जिसमें एवोगेडो नंबर ऑफ ये मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं पहले मैं एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूं तो वन मोल ऑफ एन एलिमेंट वो सब, सब अमाउंट है जिसमें एवोगेडो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ मैं मैं इसको लिखता हूं कि 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम ये वन मोल है और इट कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो एटम्स एक छोटी सी नाम मेरी मुश्किल को हल करें ये जो एवोगेडो नंबर है ना एवो गैड्रोस नंबर एवोगेड्रो नंबर ये बेटा जी ना ये ये है 6.022 पॉइंट जीरो टू टू पावर ट्वेंटी मैं इसको इतना ही अब ना एक बात याद रखना है या तो इतना लिख लो या इसके आगे इसके बजाय एन ने लिख लो एंटीटेस कहता है कि बार बार इतना नहीं लिखा जाता एंटीटेस कहता है जब एन लिखा जाए तो उसका मतलब यही है एक तो ये बात फिर आगे में सिर्फ बर्थ करते हैं अब दूसरा काम करो अब आपने सोडियम की बिदाई ना एक बीकर है बीकर में आप वाटर ले लो इसमें वाटर ले लो अब आपने क्या करना है आपने एक वाटर मालिक्यूल यहां रखना है एक और एक और वाटर मालिक्यूल यहां रखना है यहां यहां तक के आप इसके ऊपर एवोगेडो नंबर ऑफ एच टू ओ मालिक्यूल रख दें अब इतने वाटर मालिक्यूल का आप वजन करें जब वजन करेंगे तो दैट विल बी एटीन ग्राम अब पहले मैंने एग्जाम्पल सोडियम की दी वो एलिमेंट था अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वाटर को और वाटर के मैंने इतने मालिक्यूल का वजन किया तो वो कितना आएगा इसका मतलब है कि 18 ग्राम वाटर 18 ग्राम वाटर दैट इज कल टू वन मोल एंड दैट कंटेन एवो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स तीसरी बात अब आप ना

सल्फेट आइन को तराजू के ऊपर रखते जाए एवोगेडो नंबर ऑफ सल्फेट आइन का वजन मालूम करें तो so दैट 96 इसका मतलब हुआ कि इफ आई हैव 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आइन नाइनटी सिक्स ग्राम ऑफ सल्फेट आइन ये ये हो गया मोल एंड इट हैज एवोगेडो नंबर ऑफ आइंस अगर इनमें चारों बातों को यकजा करूं इकट्ठा करूं तो मैंने आपसे बोला क्या कहा मैंने आपसे कहा इन चारों बातों को यज्ञा कर लो मैंने आपसे कहा कि इफ यू हैव वन मोल वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इट कंटेन्स एवोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स इसमें एवोगेटो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ये बात आपको समझ आ जाए ना तो क्या कहने मेरी तो मुश्किल ही हल हो जाए मेरी तो मुश्किल ही आलोच है पहले मैंने एक, एक नुकता जरा समझना बेटा जी जब मैं लिखता हूं ना डजन डजन मैं कहता हूं आई हैव डजन डजन मैं की बात कर रहा हूं इट मींस आई हैव ट्वेल्व एक्स मैं 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 एक नुकता सिर्फ आपको तो देना चाहता हूं जब मैं कहता हूं ना डजन डजन तो इसकी जगह पे मैं ट्वेल्व लिखता हूं जहां भी मैं डजन यूज करूंगा मैं ट्वेल्व लिखता हूं आई हैव डजन एग तो मैं मैं ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई कर दू आई है ट्वेल्व को पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दू आई है बिल्कुल इसी तरह आई हैव वन मोल एक्स की बात करता हूं ना तो आई यानी ये, ये वाली वैल्यू इतने अंडे हैं। इनमें और इनमें फर्क सिर्फ एक है वो केमिस्ट्री का समझ सकता है उनके रंगत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन जमा कदम वन मोल एग्स तो उसमें इतने एग्स होंगे लेकिन ये तमाम एग्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे उनमें कोई फर्क नहीं होगा अड ये, ये सिर्फ नुकता है तो जब मैं कहता तो हूं ना मोल जहां भी मोल आएगा जैसे डजन ट्वेल्व उसके रिप्लेस कर रहा है यानी डजन को रिप्लेस कर रहा है इस तरह जहां भी मोल आएगा वहां पे नंबर आएगा वहां पे ये वैल्यू आएगी अब जरा ना ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ने की अल्लाह आपको तोफी दे और वो क्या है बोला इफ यू हैव मोल ऑफ एन आर ऑफ फोर टाइप्स इफ यू हैव मोल ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट अगर आप किसी भी एलिमेंट का एक मोल लेते हैं दैट हैज नंबर ऑफ एटम्स। अगर यहां सब्सटेंस एलिमेंट होगा तो पार्टिकल उसका कौन सा होगा एटम अगर आप वन मोल ऑफ मोलेक्र कंपाउंड लेंगे तो पार्टिकल को उसका क्या होगा मोल वन मोल ऑफ मोलेक्र कंपाउंड यू हैोल ऑफ एच टू इट हैज एवोगेडो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स you have one mole of water it has avogadro number of molecules similarly if you have one mole of a substance a substance of ionic compound you know. if you have one mole of an ionic compound it has avogadro number of formula formula unit i mean if you have one mole of nacl one mole of nacl it has avogadro number of formula unit nacl if you have one mole of any ionic be one mole of an, it has avogadro number of आइंस यानी कौन सा एलिमेंट है अगर एलिमेंट होगा यानी कौन सा सब्सटेंस है अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो पार्टिकल एटम होगा अगर सब्सटेंस मोलेकुलर कंपाउंड है तो पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा अगर सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है तो पार्टिकल फार्मूला यूनिट होगा अगर सब्सटेंस आयनिक स्पीशी है तो पार्टिकल आयन होगा ये बुनियादी बात इन्हीं बातों को मैं आगे अप्लाई करता हूं आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट मैं आपको ना मोल और नंबर का जो रिलेशन है ना मैं उसको मजीद समझाना चाहता हूं और अब हम प्योर एंटी टेस्ट में दाखिल से से आप यू 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 आपके पास एटीन ग्राम वाटर एक बीकर है उसमें आपके पास एटीन ग्राम वाटर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये जो आपके पास एटीन ग्राम वाटर है अब इसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी एन बताओ दूसरी बात मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये ये मुझे बताओ मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी यू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने है? मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ मेरा क्वेश्चन एक और आपके पास वाटर है इसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? मेरा क्वेश्चन है कि बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ कितने हैं? मुझे बताएं इसमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? मैं और भी हजारों सवाल आपसे पूछ सकता हूं मुझे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर चाहिए अब वन बाय वन को देखें और इनके अंदर छुपे हुए राज उनको हम निकालते दे। देखो पहले पहले एक एक करके पहला काम मुझे ना 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ग्राम वाटर कितने मोल्स होता है तीन बातें बताऊंगा मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल्स अगर आप मोल्स को मोल्स हम हाँ मोल्स को ना एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी मोल को फाइंड करने के तीन तरीके हैं तीन तरीके फोकस करना है मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दी जाए पहली बात पहली बात पहला पॉइंट अगर आपको अगर आपको अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दी जाए तो फिर आप उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे जैसे यहां पे सबस्टांस है उसके अमाउंट दी गई है मैस दिया गया मैस अमाउंट मैस को लो दूसरी बात अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीसरी बात अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मैं भी आपको बताऊंगा तीसरा पॉइंट अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी दिया जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे जितने भी आप न्यूमेरिकल एमसीक्यू करते हैं ना उसमें है दिया गया पहली बात अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मैथ दिया जाए यानी इफ यू आर गिवन द अमाउंट ऑफ मैथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप क्या करोगे आप उसको मोलर मैथ पर डिवाइड करोगे मोलर मैस ये जो मोलर मैथ है ना ये अटोमिक मैथ मोलैलर मैथ फार्मूला मैथ आइनिक मैथ उसको जब हम ग्राम में लिखते हैं वही मोलर मैथ होता है जो अभी हम पढ़ के तो मसलन मसलन मैं इसको मजीद शॉर्ट करता हूं मैंने ये जो लिखा आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स एन मैथान समाल एम मोलर मैथ कैपिटल एम ये फार्मूला रटना है रटना है ये फार्मूला इस पहले पॉइंट को जाहिर कर रहा है तो एन नंबर ऑफ

वो नो इट्स नंबर ऑफ मोड्स आप क्या करोगे तो आपके पास क्या है है? इसका मतलब वो है वन आपके पास एक और बात अब इस पर आ जाओ अब आपको मैथ नहीं दिया जाता आपसे क्या जाता यू है थ्री पॉइंट जीरो वन वन क्रास पावर टेंट इज पावर ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके पास वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं बताओ इनका नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बताओ इनका मैस कितना होगा अब अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए किसी भी सब्सटेंस के और उसके मोल पूछे जाए अब आप क्या करोगे आप इसको आप इसको एवोगेडो नंबर पर डिवाइड करेंगे इसका मतलब है मैं इस वैल्यू को जो दी हुई है इसको सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन इज पावर ट्वेंटी थ्री पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे पूछा गया है क्या अगर अगला मरला, मैस, तो मैं जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वाटर के मोलर मैथ जिसे मोलर मैथिन उससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास इन मालिक्यूल्स का मैथ आ जाएगा ये तो समझना पड़ेगा ये तो चीजें जाननी पड़ेंगी

इतना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मालिक्यूलोपाई करते हैं एट अब तीसरी बात मेरे किलोग्राम तो लिखा होता, लिखा होता, किलो लिखा होता। ये तो ये है अब वॉल्यूम मुझे दिया गया एस टीपी पर अब मैं नंबर मोल्स बनाना चाहता हूं मैं क्या करूं मैं इसको मैं इसको ट्वेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर पर डिवाइड करूंगा मैं इस वैल्यू को ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर पर डिवाइड करूंगा जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज द नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स अब उन अब मोल से फिर मैंने मैंने आगे क्या बढ़ना है? मैंने क्या बढ़ना है है पार्टिकल्स यहां तक पहले मेरी गुफ्तगू हो गई मैंने आपको बात बता दी कि आपके पास मोल्स मालूम करने के तीन तरीके हैं और वो डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है वो किस शक्ल में है उसी लिहाज से आप उसको डील करेंगे अब आगे बात ये ये पहला मरला हल हुआ अब आओ 18 अब अब क्वेश्चन क्या है यू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 18 ग्राम वाटर में मालिक्यूल्स की तादाद बताएं तादाद एक और फार्मूला आपके नजर करता हूं देखो फार्मूला क्या है फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगेडो नंबर मैं इसको मजीद कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स मैसोल इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा एन एन इंटू एवोगेडो नंबर एवोगेडो नंबर ये जो ना मैं समय सिक्स पॉइंट जीरो को मैं ने लिख रहा हूं इस बात को समझो ये दोनों मैंने एक ही बात लिखी है अच्छा अब अब जरा खूबसूरत सी बात समझोगे तो बात पार्टिकल्स मैंने कहा चार चीजों में पार्टिकल कहता एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट आइंस अगर आपको ये मेरी बातें नहीं ना पता चल रही बुनियादी बातें इट मींस फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप एमडी कैट का दें बुनियादी सी बातें और छोटी छोटी बातें जैसे जैसे तोतों को समझाते हैं ना अब इससे और लो लेवल पे क्या समझाया जा सकता है अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार चीजों को पार्टिकल कहते हैं एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट आई इन चार को मैं पार्टिकल कहता हूं अब आपके पास वाटर है वाटर एक मोलेक्यूलर कंपाउंड है मोलेक्र कंपाउंड का स्मालेस्ट पार्टिकल क्या होगा मॉलिक्यूल तो जब हम 18 ग्राम वाटर है ना हम कहते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताए तो मैं क्या करूंगा मैं इसको यूज करूंगा मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा कि मास ऑफ वाटर 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर मुझे पता है वो 80 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 क्रॉस 10 पावर 23 इसका मतलब हुआ ये कट गए तो आपके पास आ गया इसको मैं शॉर्ट करके n a मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूल इसका मतलब है इफ आई हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर It has molecules. Ever better number of molecules. Yaan, molecules. Aba, number of atoms. Question kya hai? You have 18 gram of water. Main, main bar -bar question change. You have 18 gram of water. It's main number of atoms? Hai? Achha, water. This one is a molecule of water. Is my how many atoms? Two atoms of hydrogen, one atom of oxygen. Total it has three atoms. एक मालिक्यूल में तीन एटम्स हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे मुझे 18 ग्राम वाटर में पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल देखने पड़ेंगे जितने मालिक्यूल आए उसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास नंबर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे अब को कैसे निकालेंगे अभी आपको बताया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है अगर अगर मैं मैस एटीन मोलर मैस एटीन जरा गौर से सुनना है मैस ओवर मोलर मैस मैस एटीन मोलर मैस एटीन मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ मोड इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रो नंबर से, से. जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी इतना जब मैं करता हूं ना तो मेरे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मालिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं अगर मैं वाटर को लूं तो मोलैकुलर कंपाउंड को लूं फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं अब एक मॉलिक्यूल के में कितने एटम है तीन तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा थ्री से जब मैं थ्री से मल्टीप्लाई हुआ ये से कट गया ये आपके पास क्या आ गया थ्री एन बी 3n a इसका मतलब है कि 18 ग्राम वाटर 18 ग्राम वाटर में इतने एटम्स हैं एटम्स हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है बताएं 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन एटम कितने तो एक मालिक्यूल उसमें ऑक्सीजन का एक एटम है तो आप 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन के मालिक्यूल निकालें वो मैंने ऐसे निकाले तो अब आप इस मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन का एक एटम है तो आप इस इस सारी वैल्यू को थ्री नहीं बल्कि किससे मल्टीप्लाई करोगे वन से जब मल्टी वन से करोगे तो आपके पास ये वन एन ए वन एन ए ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे अगली बात मैं कहता हूं नहीं मुझे हाइड्रोजन एटम बताओ तो ओके आप पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मालूम करेंगे वो इस तरह आ गए अब एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है थ्री तो आप जितने भी मालिक्यूल आए उसको थ्री से मल्टीप्लाई करें सॉरी एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, दो से तो आपके पास 2H this will be the हाइड्रोजन atoms अगली बात आपसे कहा गया है कि बताएं 18 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं भाई आप एक मॉलिक्यूल तो देखो ना ये एक मॉलिक्यूल है H O H दिस वन इज वन ऑफ वाटर इट हैज टू कोवलेंट बॉन्ड तो पहले मॉलिक्यूल निकालो निकाल लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसमें कोवोलेट एटम्स की तादाद टोटल नंबर यू हैव ग्राम ऑफ वाटर इसमें टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल टोटल नंबर फंडामेंटल पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो मैं ऐसे कह रहा हूं ना फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल दे आर एक्चुअली द सब एटॉमिक पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल और चीज होती है अच्छा तो मैं बहल

नहीं बढ़ सकते मैं मैं कुछ बातें आपको बताता हूं मैं कहता हूं कि आई हैव इसी बात को मैं एक और अंदाज में लेना मैं कहता हूं आई हैव वन मोल ऑफ वाटर ठीक है मेरे पास वन मोल ऑफ वाटर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 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 टू मोल्स बल्कि मैं यहां थ्री मोल्स ऑफ एटम्स हैं। एंटीडस का एक और अंदाज इसमें टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसमें वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है लिखो आप यहां पे 18 ग्राम लिख लो 18 ग्राम इफ यू हैन मोल होता है मैं पता है? इसमें वन मोल मालिक्यूल होंगे वन मोल का मतलब क्या हुआ मोल का मतलब एवो नंबर मैंने अभी आपसे क्या कहा जहां जहां भी मोल एल आए खुदारा उसे एन रिप्लेस कर दो एवोगेडो नंबर से रिप्लेस कर दो तो वाटर मॉलिक्यूल मैं को, को एन ए से और एन ए को मोल से मोल को एवोगेडो नंबर में मैं करता रहता हूं तो इसका मतलब है, मैं यहां पे मोल भी लिख सकता हूं मैं यहां एन ए भी लिख सकता हूं ये बातें आपने समझनी है इन बातों को आपने नोट करना है एक और छोटी सी बात एक और छोटी सी बात और वो क्या है आपको रिलेशन आने चाहिए जैसे मैंने ये लिखा ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं मैं सर इसको मजीद क्लियर करूं वो स्टूडेंट जो बातों का भी पिक नहीं निखा रहा है आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे आप लिख लो नंबर ऑफ एटम्स बेटा जी जब आप नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे ना तो फिर आपको यहां पर मैथ ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा मैस ऑफ एलिमेंट तो मैस ऑफ एलिमेंट मैस ऑफ एलिमेंट ओवर अटोमिक मैस अटोमिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोग नंबर आप इसी को यह तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया आप इसी को सब्सिट्यूट करते जाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैस ऑफ मोलेक्युलर कंपाउंड ओवर मोलेकुलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैडो नंबर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मैस ऑफ आइनिक कंपाउंड ओवर फॉर्मूला मैस मैथ मल्टीप्लाई नंबर नंबर ऑफ आइंस मैस ऑफ आइनिक स्पीशी ओवर मोलर मैस आइनिक मैस मल्टीप्लाई नंबर अच्छा एक मुझे बात बताना आखिरी बात फिर मैं आगे बढ़ता हूं इफ यू हैव 58 ग्राम फिफ्टी ग्राम ऑफ एन मेरा आपसे क्वेश्चन पहला मुझे बताओ कि इतनी जो अमाउंट ऑफ एनशियल है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दूसरा क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मॉलिक्यूल्स इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और मेरा क्वेश्चन बताएं इसमें नंबर ऑफ आइंस कितने हैं अगर मैं कहीं क्वेश्चन गलत बता रहा हूं तो मुझे बताना

इसका मतलब हुआ इस तो कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड मैस 58.5 मोलर मैस 58.5 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर द आंसर इज एवोगाड्रो क्योंकि 58 58 से .5 वो कैंसिल हो गया तो यू हैव तो इसका मतलब है यहां ये नहीं आएगा यहां पे लफ्ज क्या आएगा फार्मूला यूनिट और ये हो गया एवोगाड्रो नंबर ये इतने अब अगली बात 58.5 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ एटम्स ये भी गलत है ये जो फार्मूला यूनिट है NaCl एन एक्नए सीएल में एक एन एल में एक सोडियम आइन दो क्लोराइड आइन है तो, तो फार्मूला यूनिट है ये हैं जिस तरह हमने कहा ना कि मालिक्यूल में एटम्स होते हैं ये वाटर का मालिक्यूल था इसमें तीन एटम्स थे ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट इसमें दो आइंस हैं अगर आपके पास एवोगेडो नंबर ऑफ एन है तो इसमें आइंस कितने होंगे इसमें एटम नहीं आइन्स ये नहीं आइन्स होंगे टू एन ए इन बातों को आपने जहन में बिठाना ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं इनको आपने जेहन में बिठाना